आज अभी एक मुट्ठी धान ये जो कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का वो समाप्त करने के बाद ही मैं और येदुरप्पा जी यहां आए। ये कार्यक्रम प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की संवेदनाओं के साथ जुड़ा हुआ कार्यक्रम। प्रदेश में जिस प्रकार के किसान के हालात हैं शायद ही कोई प्रदेश में प्रदेश की सरकार ने इतना दुर्लक्ष किसानों के प्रति रखा होगा। करीब 4.5 साल के कालखंड के अंदर 3500 से ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। किसान कोई भी ले लो, चाहे नारियली का हो, सुपारी का हो, कॉफी का हो, धान बोता हो, पेड़ी का हो, गेहूं का हो या कैश क्रॉप का हो, सब किसान परेशान है और उसका एकमात्र कारण है सरकार का दुर्लक्ष। कई बार हमें विपक्ष के द्वारा बताया जाता है कि आत्महत्या किसानों की पूरे देश भर में होती है। मैं आप सबके माध्यम से कर्नाटक के जनता और कर्नाटक के किसानों को विशेष रूप से बताना चाहता हूं, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये तीन राज्यों में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं। एक लंबे अरसे से सरकारें चल रही और उसका परिणाम यह है कि देश भर में किसान को आत्महत्या के मामले में ये तीनों राज्यों का आंकड़ा बहुत नीचे है और जो आत्महत्या है भी वो भी किसान समस्या के कारण नहीं है, उनकी निजी समस्या के कारण, परिवार की समस्याओं के कारण, डिप्रेशन के कारण, कहीं किसी को मार्क कम आ गए और किसान का बेटा है इसके कारण आत्महत्याएं दर्ज हुई। और एक दूसरा उदाहरण है, 15 साल तक महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकारें रही, इसी प्रकार किसानों की आत्महत्या का ग्राफ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर आई है और वो सरकार ने महाराष्ट्र में किसान मित्र सरकार के नाते काम किया और आज किसानों की आत्महत्या में 30% की कटौती आई है। तो जहां कांग्रेस का शासन होता है वहां किसान की आत्महत्या बढ़ती है और जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन होता है वहां किसान की आत्महत्याएं कम होती है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के यहां से जो चावल इकट्ठा किए हैं उसको पकाकर खाने वाले हैं। हमारे रक्त में, हमारे शरीर में किसानों का नमक भी घुलेगा, किसानों का ऋण हम पर चढ़ेगा और हम प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि रैता बंधु येदुरप्पा के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो सरकार उसकी प्राथमिकता किसानों को समर्पित रहेगी। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने जिसकी देश का किसान 70 साल के राह देख रहा था, आजादी के 70 साल बाद एक भी सरकारें हिम्मत नहीं कर पाई कि कृषि और कृषि के उपजों का मूल्य क्या तय किया जाए, रवि और खरीफ दोनों फसलों में सभी फसलों का मूल्य उसकी लागत से, उसकी बेस प्राइस से 1.5 गुना 1.5 टाइम करने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं मानता हूं एक किसान हितैषी निर्णय नरेंद्र मोदी जी के अलावे कोई और नेता नहीं ले सकता। मित्रों, हमने तय किया है, हमारे घोषणा पत्र में हम घोषणा करने वाले हैं
कि नारियली और सुपारी के किसानों की समस्या के निपटारे के लिए सुपारी के औषधीय गुणों के परीक्षण के लिए एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा जो 500 करोड़ की लागत से बनेगा। कर्नाटक सरकार उसको भारत सरकार के सहयोग से बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नारियल के भी रोगों की जो तकलीफ है किसानों की उसके और मार्केटिंग के माध्यम से और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, ये दोनों के स्टडी के लिए एक रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा जो येदुरप्पा सरकार बनने के बाद कर्नाटक सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किसानों के ऋण में भी बढ़ोतरी की है, नीम कोटेड यूरिया लाकर यूरिया की कमी को दूर किया है, सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से लेबोरेटरी में जो चीजें पड़ी थी उसको लैब टू लैंड के कंसेप्ट के तहत किसान के खेत तक पहुंचाने का काम किया है। किसान को आज गाइडेंस मिल रहा है कि उसकी खेत में कौन सा क्रॉप अच्छा रहेगा, कितना पानी चाहिए, कितना खाद चाहिए, कौन सी पेस्टिसाइड लगेगी, ये सारा गाइडेंस उसको सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत पॉपुलर फसल बीमा योजना रही है और दिन प्रतिदिन उसको स्वीकार करने वाले किसानों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना भी, हर बूंद का उपयोग कैसे हो, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और ट्रेडिशनल इरिगेशन, ये चारों तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना बहुत आगे बढ़ी है। मित्रों, आज आपकी ये प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं कर्नाटक के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई है कृषि क्षेत्र का एग्रीकल्चर जीडीपी डबल डिजिट हुआ है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा भी उसी दिशा में आगे बढ़े, यूपी भी उसी दिशा में आगे बढ़ा है। कर्नाटक में येदुरप्पा सरकार आने के बाद भी हम जीडीपी में बढ़ोतरी के लिए निष्ठावान प्रयास करेंगे और किसानों के हित के लिए निष्ठावान प्रयास करेंगे। मित्रों, कल मेरे दौरे में मैं तीर्थहल्ली गांव में नंदिता के परिवार को मिला था। जब नंदिता के परिवार को मिलने गए, उसका बयान सुनकर, उनकी वेदना सुनकर हृदय अनुकंपा से भर जाता है। एक बच्ची को कोई उठा ले जाता है, पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है, शोर मचने पर उसको चालू कार से फेंक दिया जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, वो स्टेटमेंट भी देती है, मगर आज तक एक भी अरेस्ट नहीं की गई है। उसके पिताजी को प्रताड़ित किया जाता है, उसको मदद करने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और उसके पिताजी की शॉप को पीछे से आग लगाने का भी काम होता है। कौन संरक्षण कर रहा है नंदिता के हत्यारों? चार दिन के बाद ये बच्ची अपनी जान गंवाती है, सरकार के पेट का पानी नहीं हिलता है। हमने तय किया है कि येदुरप्पा सरकार बनने के बाद नंदिता के हत्यारों को कठोर से कठोर दंड मिले, इसकी हम सुनिश्चित करेंगे। और इस प्रकार के ढेर सारे मामले जो राजनीतिक लिप्तता के कारण इस पर कार्यवाही नहीं होती है, इसके कारण महिलाओं की सुरक्षा इस राज्य के अंदर खतरे में पड़ी हुई। एसडीपीआई और पीएफआई को
खुला दौर मिला। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की सरेआम हत्याएं होगी, उसका जांच करना, उसके हत्यारों को दंड दिलाना, वो तो बाजू पर रहा, परंतु पीएफआई और एसडीपीआई के ऊपर लगे हुए मुकदमों को वापिस लेने की हिमाकत ये सरकार अगर करती है तो मैं मानता हूं वोट बैंक की गंदी राजनीति का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। एक और केरल सरकार पीएफआई पर बैन लगाने के लिए केंद्र सरकार को दरखास्त करती है और सिद्धरामैया जी को पीएफआई में कोई दोष नहीं दिखता है। मैं मानता हूं मित्रों कि ये जो एपीसमेंट की पॉलिसी है, वो एपीसमेंट की पॉलिसी कर्नाटक और देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अभी अभी चुनाव के कुछ दिन पहले उन्होंने लिंगायत विशेष समुदाय और लिंगायत और बाकी संप्रदायों के बीच में भेद डालने के लिए माइनॉरिटी स्टेटस देने की घोषणा की है। मैं सिर्फ उनको इतना ही पूछना चाहता हूं कि घोषणा चुनाव के ठीक एंड 6 महीने पहले क्यों की गई? 5 साल तक आप क्या करते थे? और 2013 में जब केंद्र में आपकी सरकार थी तब इसी दरखास्त को निरस्त कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था, तब सिद्धरामैया जी क्यों कुछ नहीं बोले थे? ये हिंदुओं में बंटवारा करने की प्रक्रिया है, ये कोई लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय का भला करने की योजना नहीं है, ये येदुरप्पा जी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने का षड्यंत्र है। मगर लिंगायत समुदाय इसको ठीक से समझता है और मुझे भरोसा है कि कर्नाटक की जनता बैलेट के माध्यम से, बैलेट बॉक्स के माध्यम से इसका बहुत अच्छा जवाब देगी। पहले मठ मंदिरों को सरकार के अधीन लेने का प्रयास किया जाता है, उसके बाद में जब विरोध होता है उनको छोड़ना पड़ता है। मैं कर्नाटक में 5-6 दौरे किया, ढेर सारे लोगों को मिलने के बाद मुझे लगता है कि लोगों की भावना सही है। जो लोगों की भावना है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां के सारे लोग कहते हैं ये अहिंदा नेता नहीं है, ये अहिंदू नेता है। और अगर सिद्धरामैया जी को कांग्रेस पार्टी नहीं रोकेगी तो बड़े कटु परिणाम चुनाव में झेलने पड़ेंगे। एक और कांग्रेस अध्यक्ष हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ने की बात करते हैं और दूसरी जगह कर्नाटक में उनके ही मुख्यमंत्री हिंदुओं में बंटवारा करने की बात करते हैं। इतना बड़ा अंतर विरोध किसी राजनीतिक दल में मैंने नहीं देखा है। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है, ढेर सारी चीजें भ्रष्टाचार के कहने के लिए हैं, मगर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि कर्नाटक की जनता का परसेप्शन बन चुका है कि यह भ्रष्टतम सरकार है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना पड़ेगा, अरे सिद्धरामैया सरकार को नंबर 1 का अवार्ड देना पड़ेगा। और मित्रों ये जो कहा है कोई भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी नहीं है, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी है। और 40 लाख रुपए का घड़ी अपनी कलाई पर पहनकर सिद्धरामैया जी घूमते हैं और जनता जब सवाल करती है तो जवाब देने के लिए भी उनकी तैयारी नहीं। एक नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्नाटक के लिए बहुत कुछ किया है। सिद्धरामैया जी हमेशा पूछते हैं
कि नरेंद्र मोदी सरकार बताए कि उसने कर्नाटक के लिए क्या किया। 13th फाइनेंस कमीशन था जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, तब 88,583 करोड़ रुपीस 13th फाइनेंस कमीशन में दिया गया था। 14th फाइनेंस कमीशन जब बीजेपी सरकार के समय में आया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, 88,000 को बढ़ाकर 2,19,506 करोड़ रुपीस दिया गया है, लगभग 1,30,923 करोड़ रुपीस का बढ़ोतरी किया है। इसके अलावे मुद्रा लोन में 39,000, स्मार्ट सिटी में 960 करोड़, अमृत मिशन में 4,953 करोड़, हृदय योजना में 22 करोड़, स्वच्छ भारत अभियान में 204 करोड़, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए 239 करोड़, बेंगलुरु मेट्रो के लिए 2617 करोड़, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना डीएमएफ के लिए 209 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 405 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 219 करोड़, 3546 किलोमीटर रोड्स के लिए 27,482 करोड़, रेलवे के लिए 2,197 करोड़, टोटल 79,000 करोड़ रुपीस अलग से दिया गया है। इसके अलावे जनधन योजना के 1,10,00,000 अकाउंट्स खुले हैं, जिसमें 2300 करोड़ रुपए का सेविंग्स हुआ है, लगभग 1.65 करोड़ एलईडी बल्ब को बांटा गया है, जिससे 862 करोड़ रुपया की बिजली की बचत कर्नाटक की जनता की होगी, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.33 लाख गैस सिलेंडर देने का काम समाप्त किया गया है, और 2019 के पहले 6.12 लाख देने का हमारा लक्ष्य है। मित्रों, इस प्रकार से केंद्र की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, और मैं आप सबके माध्यम से कर्नाटक की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि श्री येदुरप्पा के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी, वो सरकार गुंडा राज से गवर्नेंस राज की दिशा में जाएगी, कर्नाटक को विकास के रास्ते पर ले जाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में येदुरप्पा सरकार कर्नाटक को एक मॉडल स्टेट बनाने की दिशा में जाएगी।